हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको अलग से एक आई शेडो दिखाऊंगी जो यहाँ पर मॉडल लुक को दिए जाएगी। तो ये आई शेडो आप देखना मैं किस तरह से यहाँ पर आई शेडो कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले उसकी आईज पर हम फाउंडेशन का कवर करेंगे। उसके पहले मैं यहाँ पर एक अनविजिबल टेप लगाऊंगी। ये आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर उसको लॉक करने के लिए टेप लगाया है उसको। उसके बाद मैं यहाँ पर फाउंडेशन करूंगी। ओके, तो यहाँ पर मैंने फाउंडेशन लगा दिया है। उसको मैं अच्छे से ऑब्जर्व करूंगी। पहले ब्यूटी ब्लेंडर से मर्ज करना है आपको। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने उसे अच्छी तरह से मर्ज कर दिया है। उसके बाद में पहले उसको आईब्रो डिफाइन करूंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर आईब्रो डिफाइन कर रही हूँ। आप जब भी आईब्रो डिफाइन करते हो तो आपको आईब्रो डिफाइन हमेशा ऐसे बीच में से ही लेना है, आगे से नहीं लेना है। तो ये मेरा आईब्रो डिफाइन अच्छे से हो गया है। ज्यादा डार्क नहीं करना है आईब्रो डिफाइन को। ओके, तो ये आईब्रो डिफाइन अच्छे से हो गया है। उसके बाद में यहाँ पर फाउंडेशन को कवर करने के लिए लाइट कलर लूंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लाइट कलर उसको मर्ज करूंगी अच्छे से। आप जब भी कोई आई शेडो करते हो तो फाउंडेशन या तो कंसीलर करने से बाद आपको यहाँ पर लॉक करना होता है। आप लूज पाउडर से भी यहाँ लॉक कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर आई शेडो का कलर, स्किन टोन कलर लेके उसको लॉक कर रही हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर अच्छे से उसको लॉक कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी कि मुझे यहाँ पर डार्क आज जो आई शेडो करनी है डार्क, तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन सा वाला कलर लेके किस तरह से मर्ज कर रही हूँ। ये आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर एकदम वी शेप में कलर लिया है। किस तरह से मैंने कलर को रखा है वो आपको खास ख्याल रखना है कि जहाँ पर मैंने कलर लिया है उसको मैं किस तरह से मर्ज कर रही हूँ। मैंने जो कलर लिया है वो थोड़ा ऊपर से मैं मर्ज करूँगी। मेरा जो आईब्रो पॉइंट है वहाँ मैं डार्क कलर नहीं कर सकती हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पर लाइट कलर लगाऊंगी। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने डार्क कलर किया था, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ही लाइट कलर मर्ज कर दूंगी। ओके, तो मैंने जो कलर लिया है उसको मैंने मर्ज कर दिया है। बाद में यहाँ पर थोड़ा सा वो डार्क कलर लेके उसको फिर से मर्ज कर दूंगी। ओके, ये आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर जो एक कलर लिया है उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। आप जब भी डार्क कलर लेते हो तो हमेशा आउट कॉर्नर से ही लेना है। ओके, तो यहाँ पर मेरा जो डार्क कलर लेना था वो यहाँ अच्छे से हो गया है। अब मैं क्या करूंगी कि ये जो डार्क कलर है उससे थोड़ा लाइट कलर में यहाँ बीच में लगाऊंगी, फिर बाद में मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आई शेडो बनती है। ये हमारा लाइट डार्क हो गया है। अब मैं थोड़ा सा लाइट कलर लूंगी। तो ये आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर जो कलर ले रही हूँ उसको मैं अच्छे से मर्ज कर रही हूँ। जो हम कलर लेंगे उसको हम पहले अच्छे से मर्ज करेंगे। आई शेडो में मेन रीजन यही होता है कि आप जो भी कलर लेते हो वो कलर को आपको अच्छे से मिक्स और मैच करना होता है। मैंने इनर कॉर्नर पे एकदम लाइट कलर लिया है, तो उसको भी मैं अच्छे से ब्लेंड करूंगी।
एकदम लाइट लिया है। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको यहाँ से ग्लिटर रखनी है तो आप ग्लिटर रख सकते हो, लेकिन वो किस तरह से रखना है मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ये जो ग्लिटर है, मैं यहाँ पर ग्लिटर एकदम कटक्रीज शेप में रखूंगी। तो वो किस तरह से रखनी है, यहाँ पर मैं उसी ही कलर टाइप ग्लिटर ले रही हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपका जो आईबॉल है वहां से आपको राउंड शेप बनाना है, राउंड शेप बना के आपको ग्लिटर को मर्ज करना है। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर ग्लिटर को किस तरह से मर्ज कर रही हूँ। इनर कॉर्नर पे मैंने लाइट लाइट ग्लिटर लगाया है, उसके बाद मैंने आईबॉल पर ऐसे मर्ज कर रही हूँ। अगर आपको ग्लिटर यहाँ तक रखना है तो आप यहाँ तक ग्लिटर रख सकते हो, लेकिन आपको ग्लिटर ज़्यादा यहाँ पर स्प्रेड करना है तो आप यहाँ स्प्रेड भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको स्प्रेड करके दिखाती हूँ किस तरह से मैं यहाँ स्प्रेड कर रही हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जिस तरह से मैंने ग्लिटर लिया है वो ग्लिटर को मैंने अच्छे से उसकी आईज पर लगा दिया है। अब आपको क्या करना है कि आपको अगर लाइनर करनी है यहाँ से तो आप लाइनर कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर आज आपको लिक्विड लाइनर नहीं करूँगी, आपको यहाँ पर पाउडर लाइनर दिखाऊंगी कि पाउडर लाइनर को किस तरह से अप्लाई करना है। सो गाइज, आप यहाँ पर दिख रहे होगे कि मैंने यहाँ पर जो आई शेडो बनाया है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ आउट कॉर्नर पर डार्क कलर लिया है, उसके बाद मैंने इनर कॉर्नर पर लाइट कलर लेके उसको मर्ज किया है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर ग्लिटर लगाया है, ग्लिटर को मैंने ऐसे आइस को स्प्रेड करके यहाँ पर ग्लिटर को स्प्रेड कर दिया है। जिस तरह का मैंने शेप चाहिए था उसी तरह मैंने यहाँ पर शेप दे दिया है। उसके बाद मैं आपको बता रही थी लाइनर का, तो लाइनर आपको करना है, लेकिन मैं यहाँ पर पाउडर लाइनर करूँगी। तो आपको देखना है मैं किस तरह से यहाँ पर लाइनर कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको कोई भी कलर लेना है, ब्लैक डार्क कलर, इनर कॉर्नर से लेके आपको आउट कॉर्नर तक जाना है। जब भी आप इनर कॉर्नर तक होगे तो आपको लाइट ही एकदम लाइनर करनी है। जब आउट कॉर्नर तक जाओगे तो आपकी लाइनर थोड़ी ब्रॉड हो जानी चाहिए। ओके, तो ये आप देख सकते हो कि मैंने उसको लाइनर किस तरह से कर दिया है। इनर कॉर्नर से थोड़ा एकदम पतला सा लेयर किया है और बीच में जाके थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया है, और मैंने लास्ट में थोड़ा सा ही एकदम पतली शार्प दिखाने के लिए एकदम लाइट ही लाइनर किया है। अब मैं क्या करूँगी, आईब्रो को थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी। यहाँ पर आपको कॉर्नर में हाईलाइट देनी है आईब्रो को। ओके, तो ये आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर आईब्रो को हाईलाइट किया है। उसके बाद मैं थोड़ा सा ही उसको आईब्रो डिफाइनर दे दूंगी, थोड़ा सा डार्क दे दूंगी कि मैंने यहाँ पर आई शेडो डार्क किया है, तो यहाँ पर मैं आईब्रो डिफाइनर भी थोड़ा डार्क करूंगी। तो गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर जो आईब्रो डिफाइनर किया है वो भी अच्छे से हो गया है। अब मैं यहाँ पर आइस की कॉर्नर पर थोड़ा सा मैं हाईलाइट दे दूंगी। ओके, तो मैंने यहाँ पर उसको थोड़ा सा हाईलाइट दे दिया है। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि अब मैं जो आपको आई शेडो बताऊंगी तो वो आपको देखना है कि किस तरह से ये हमारा आई शेडो होता है। ओके, तो ये आप देख सकते हो कि हमारा ये जो आई शेडो है वो अच्छे से हो गया है। तो आपको देखना ये है कि मैंने यहाँ पर जो आई शेडो किया है वो अच्छे से यहाँ पर कवर कर दिया है मैंने। आईज ओपन करो। ओके, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो आई शेडो है ये काफी मॉडल में अभी चल रही है, ट्रेंडिंग में है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से एकदम शार्प दिख रहा है, जहाँ तक हमारे आईब्रो का ये लास्ट पॉइंट है
वहां तक मैंने उसको पॉइंट करके रख दिया है। तो यहाँ से आप ऐसा शेप दे सकते हो, यानी आपको कोई भी अलग अलग तरह के शेप्स देने हो तो आप आई शेडो में दे सकते हो। फिर बाद में आपको फेस को कवर करना है, फाउंडेशन, कंसीलर, कॉम्पैक्ट कुछ भी लगा के आपको मेकअप करना है। तो यहाँ पर आज मेरा ये आई शेडो आप देखते हो किस तरह से मैंने ये आई शेडो बनाया है। तो ऐसे ही आप वीडियो देखने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए मेरे साथ ऐसे ही चैनल में जुड़े रहिए।